लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, तांता लगाना पड़ रहता था। जो गंगा जी और भगवान विश्वनाथ के बीच में अवरोध पैदा हुए थे, एक कॉरिडोर बना के और तकरीबन वहाँ पर 40 से ज़्यादा मंदिरों को जीर्णोद्धार करके गंगा को गंगा धर से मिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भूरी भूरी प्रशंसा काशी की जनता करती है, उत्तर प्रदेश की जनता करती है, यहाँ आने वाले लोग करते हैं। काशी का अभिनंदन एक बार फिर से। कल रोड शो की भव्यता के बाद आज एक बार फिर से समाप्त करने वाला योग बनता है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और बैजनाथ पटेल को अपना प्रस्तावक बनाया है तो इसमें हमारी उस परंपरा को भी कहीं ना कहीं हम नतमस्तक करते हैं, जहां पर हम विकास और विरासत की बात करते हैं, समाज को हम जोड़ने की बात करते हैं, जिस हमारा ऐसा समाज जो कि सबको समेकित और समग्र रूप में लेके चलता है। जब हम ये कहते हैं संगत छद्वम संवद्धम सम्भो मदान से जानताम, जो हमारे वेदवाक्य हैं, तो किसी भी तरीके से जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास का जो राजनीतिक प्रयोग है वो यहाँ पर दिखता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक समग्र समावेशी नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। NDA का पूरा कुनबा यहाँ पर है, तो राजनीतिक रूप से अनेक परिणाम राजनीतिक रूप से अनेक यहाँ से निष्कर्ष जाते हैं और क्या कुछ इसके फलीभूत निष्कर्ष निकलेंगे वो जनादेश में पता चलेगा जब गिनती होगी। लेकिन उत्तर दक्षिण के जो खाई थी वो भी कहीं ना कहीं पटती हुई दिख रही है। जब उत्तर भारत से पश्चिम भारत के जन्म लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर काशी को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और यहाँ पर उनके प्रस्तावक दक्षिण भारत से